गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक होम डेकोर प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है एंड प्रॉपर सैनिटाइज कर लिया है मैंने इसे। एंड नेक्स्ट डे मैंने इसे ओपन करके देख चुकी हूँ मैं, बट मैं आपके सामने ओपन करना चाहती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह की पैकेजिंग में आया है। देन बबल रैप भी है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स मिलता है आपको। देन यहाँ पर आपको अंदर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमने से आपको पता ही चल गया होगा क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है बौद्ध का मोन साइन, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है, छोटा सा। तो आप देख सकते हैं मुझे चार का सेट मिला है, इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ सारे। तो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। बुरा ना देखो, शांत रहो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। ये चार मुझे मिले हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर जितने भी नहीं है, अगर मैं फिंगर से करूँ तो इसको यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, बहुत ही छोटा है। मुझे ये थोड़ा छोटा लगा, बट ये होम डेकोर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी ठीक है, बस थोड़ी सी मुझे फिनिशिंग में कमी लगी है। सो उतनी कमी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या कमी लगी है। देख सकते हैं कि मतलब बनावट अच्छी है, बट जो पेंट हुआ है वो भी अच्छा है, बट इसमें थोड़े से बबल आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके नाक पे, इसके नोज़ पे बबल आया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड यहाँ पे भी बबल आया हुआ है, एंड ऐसे ही इन सब पे भी एक दो बबल है, ज़्यादा बबल नहीं है, देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है एंड किस साइज़ का है। एंड बात की जाए तो मैं इसे चारों अपने इस पे रख सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सा है, आपके पूरे हथेली में ये आ जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, अगर आपको थोड़े से कम स्पेस के लिए आपको ये चाहिए तो उसके लिए ठीक है, बट आपको सोच रहे हो अलमारी में या किसी सेल्स में लगाएंगे तो बहुत ही छोटा लग रहा है। मैंने अपने सेल्स में ही लगाने के लिए, वॉल सेल्स में ही लगाने के लिए इसे परचेस किया था, बट मुझे बहुत ही छोटा लगा, मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी है। और थोड़ी फिनिशिंग की तो मैंने आपको बताई थी, वो थोड़ी एडजस्टमेंट करी जा सकती है क्योंकि दूर से कुछ नहीं पता चल रहा है। एंड बहुत ही अच्छा पीस है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको इतना ही छोटा चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, बट मुझे साइज़ अच्छा नहीं लगा, मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ। सो आप इसे परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज और सब कुछ ठीक लगा मुझे, प्यारा लगा बहुत ही, कुछ इस तरह है। एंड ऐसे मैं इसे खड़ा करती हूँ तो आप ऐसे देखेंगे इसको, कुछ इस तरह दिखता है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं बैठे हुए। बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपको साइज वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, प्राइस नहीं बताया है मतलब। सो गाइस इसका प्राइस बता देती हूँ मैं, इसका प्राइस मैंने मुझे 217 रुपये में परचेस किया था, एंड मेरे पास कुछ कॉइन्स थे, इस पर 12 कॉइन्स की छूट थी, तो 12 कॉइन्स मैंने दे के 217 में पड़ा है मुझे। एंड इसका बिल वगैरह मैं आपको दिखा दूँ तो बिल पे कोई प्राइस नहीं है। सो गाइस 217 रुपये में मैंने इसे परचेस किया है, आप भी परचेस कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में है क्योंकि बहुत ही कम प्राइस है इसका, तो इसलिए शायद प्राइस कम
प्राइस कम है इसलिए बहुत ही छोटा है, इसमें बड़े भी अवेलेबल है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। टिल देन बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।